कलयुग में होने वाला है कल्कि का अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहाँ लेगा जन्म? कौन होंगे माता पिता, भाई बहन? कैसे दिखेंगे भगवान कल्कि? क्या त्रेता युग की तरह रावण जैसे योद्धा से होगा सामना, या द्वापर युग की तरह सगे संबंधियों से करनी पड़ेगी महाभारत? भगवान कल्कि से जुड़ी ये भविष्यवाणी पहली बार सुनेंगे आप। मित्रों, भगवान कल्कि से जुड़ी विष्णु पुराण की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां सुनने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ होगा। हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस युग में भले ही पाप अपने चरम पर होगा, धर्म का आचरण करने वालों का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन जो मनुष्य कुछ क्षणों के लिए भी भगवान की उपासना करेगा, उसे तुरंत फल भी मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भारत के किस कोने में होगा भगवान कल्कि अवतार का जन्म। विष्णु पुराण के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा भगवान कल्कि का जन्म। इस युग में इस अवतार की आयु मात्र 14 से 16 वर्ष होगी। हालांकि वेद पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि की आयु के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुराणों में यह अवश्य कहा गया है कि इनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, जो भगवान के परम भक्त और वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि का विवाह होगा और इनकी पत्नी का नाम पद्मा होगा। ये सफेद वस्त्र धारण करेंगे, तलवार और घोड़ा चलाने की कला में माहिर होंगे। इनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। मित्रों, भगवान कल्कि भगवान के गुरु 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी होंगे। मित्रों, विष्णु पुराण में साफ कहा गया है कि 7 चिरंजीवियों को मिला था अमरता का वरदान, लेकिन कई शाप और वरदान से बंधे हैं, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक कल्कि अवतार नहीं हो जाता। कलयुग में भगवान कल्कि के 4 भाई होंगे, जिनमें 3 भाइयों के नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर त्रेता युग और द्वापर की तरह ही ये भी कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इनके 4 पुत्र भी होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक रखे जाएंगे। भगवान कल्कि इस युग में धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन समय आने पर दुष्टों का नाश भी करेंगे। लेकिन जब तक ये अपने रौद्र अवतार में आएंगे, तब तक धर्म की स्थिति बेहद खराब हो चुकी होगी। लेकिन इस समय एक से एक चमत्कार होंगे, जो सभी को हैरान कर देंगे। लेकिन इस सब के बाद होगा एक नए सतयुग का प्रारंभ। मित्रों, पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। कल्कि अवतार के जन्म लेते ही कलयुग का समापन हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, और अब केवल 10वां अवतार कल्कि की प्रतीक्षा हो रही है। लेकिन जब तक कल्कि अवतार होगा, तब तक लोगों के बुरे कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल की गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0° पर हो गए थे। मित्रों, ये भविष्यवाणी कितनी सत्य हो पाती है, ये देखने के लिए हम तो नहीं रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भगवान कल्कि का मंदिर बनने लगा है। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में बना है उनका मंदिर। उनके नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक सहित कई साहित्य सामग्री का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन दावा कर रहा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म लेगा। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए उन्हें दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि, विष्णु के अवतार कहे गए हैं। भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएगा। इस अवतार का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा और दुष्कर्मों का नाश करना होगा। यह अवतार धर्म के प्रचार और उसके लोगों को दुष्कर्मों से बचाने के लिए आएगा। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार दुष्टों और असत्य का नाश करेगा।
कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कल्कि अवतार द्वारा कुछ विशेष लोगों का वध किया जाएगा। भगवान कल्कि एक निर्भय असुर को मारेंगे जो मनुष्य के दुष्कर्मों का प्रचार करता है। दूसरी भविष्यवाणी कहती है कल्कि अवतार एक महान योद्धा होंगे जो अधर्मियों का नाश करेंगे। कुछ भविष्यवाणियों ने कहा है कि कल्कि अवतार के आने से पूर्व दुष्ट शक्तियों के बढ़ते प्रभाव के चलते समस्त विश्व में बहुत बदलाव आएंगे। तो मित्रों, क्या आप मानते हैं कल्कि अवतार से जुड़ी इन भविष्यवाणियों को? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।